नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। अब उत्सव तो हर कोई मनाता है। आज आपके घर में भी कोई खुशखबरी आएगी तो आप उत्सव मनाएंगे। अब व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार उत्सव मनाता है, जितना धन होगा जितना सामर्थ्य होगा उस हिसाब से, लेकिन मनाते सब हैं। तो फिर हम में और नंद बाबा में फर्क ही क्या रह गया? फर्क ये रह गया कि नंद बाबा ने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया। उन्होंने ठाकुर जी के जन्म पर 2 लाख गाय दान में दी। कितनी? 2 लाख। उस वक्त दूध दही माखन का ही काम होता था ना, जिसके पास जितनी ज्यादा गैया वो उतना धनवान। तो उन्होंने 2 लाख गैयाएं दान में दी। और जिनको वस्त्र चाहिए था वस्त्र दिए, अन्न चाहिए था अन्न दिया, धन चाहिए था धन दिया, यानी सबको खुश किया। पहले धनवान व्यक्ति यही करते थे, उनके घर में कोई खुशखबरी होती तो कोई विद्यालय बना रहा है, कोई प्याऊ लगवा रहा है, कोई धर्मशालाएं बनवा रहा है, कोई अस्पताल बनवा रहा है, यानी उनके घर की खुशखबरी पूरे गांव के घर की खुशखबरी हो जाती थी। तो नंद बाबा ने यही किया। अब वसुदेव जी उस कन्या को लेकर मथुरा पहुंचते हैं। बेड़ियां अपने आप लग गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जो सैनिक थे वो नींद से जागते हैं तो कन्या के रोने की आवाज आती है। कंस से जाकर कहा, कन्या हुई है। कंस कहे, कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन खतरा क्यों मोल ले। तो वो जाते हैं, जैसे हर बच्चे को मारा उस कन्या को भी मारने के लिए गोद में उठाते हैं, और मारने ही लगते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। वो कन्या कहती है, मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। ये कहकर वो अदृश्य हो गई। अब यहां कंस चिंता में पड़ गए। अब वहां पर भगवान अभी बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, माने इतने छोटे कि इस उम्र का बच्चा अपने आप करवट भी नहीं बदलता है। तो एक बार भगवान सो रहे थे, नंद बाबा सामने से गए। भगवान ने सोचा थोड़ी लीला करी जाए, तो भगवान ने अपने आप करवट बदल दी। नंद बाबा की नजर पड़ती है, उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने इसी बात पे एक उत्सव रखा। अभी जन्म का उत्सव खत्म हुआ ही नहीं था कि एक और उत्सव की घोषणा करते हैं। अब यहां पर चलिए, माँ बाप तो थोड़े बच्चों के प्रति दीवाने होते हैं, उनका बच्चा कुछ भी करे तो उनको लगता है मानो पता नहीं क्या ही हो गया, तो उनका प्रेम तो समझ आता है। पर यहां पर आके ब्रजवासी पूछ रहे कि भाई उत्सव किस बात का है, तो नंद बाबा कहे, अरे लाला ने आज बिना किसी के सहारा लिए करवट बदल ली, वो भी नाच रहे, वो भी उतना ही पागल, वो हर घर खटखट कर रहे जा रहे कि चलो चलो नंद बाबा के घर उत्सव है, अरे किस बात का उत्सव, अरे लाला ने अपने आप करवट बदल ली। तो सब बड़ा नृत्य कर रहे हैं। अब यहां पर भगवान का नाम रखा जा रहा है, पहले बलदाऊ भैया का नाम रखा जा रहा है। उनके लिए कहा गया कि बड़ा ही बलशाली पुत्र होगा, बल बहुत होगा इसमें, तो इसका नाम रखते हैं बलराम। भगवान के लिए कहा, ये बड़ा ही टेढ़ा पुत्र होगा, ये हर काम टेढ़े करेगा, ये श्रृंगार टेढ़ा करेगा, ये बंसी टेढ़ी रखेगा, ये खड़ा टेढ़ा होगा, ये मुकुट टेढ़ा रखेगा। तो नाम भी ऐसा रखते हैं जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। कृष्ण कहने में जीभ घूमती है, बोलो घूमी, जिसकी नहीं घूमी वो गलत बोल रहा है।
तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण।